हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज दिखाऊंगी आप लोग को चाउमीन कैसे हम बनाते हैं। तो मैं आज सब्जी वाला चाउमीन बनाऊंगी। तो इसमें मैं ले ली हूँ फूल गोभी, गाजर और कैप्सिकम। तो मैं यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई चढ़ा के गाजर और फूल गोभी को पहले भूज ले रही हूँ, क्योंकि कैप्सिकम बाद में दे देंगे, क्योंकि कैप्सिकम बहुत नरम रहता है, वो जल्दी गल जाता है। तो ये देखिए, मैं पहले इसको भूजने के लिए दे दी हूँ। और फ्रेंड्स, मेरा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भूजने के बाद मैं अब दे दूँगी कैप्सिकम, क्योंकि उसे थोड़ा भूजना हो गया है, क्योंकि कैप्सिकम को थोड़ा भूजने से ही हो जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर भूज ले रही हूँ। भूजने के बाद इधर देखिए, मैं थोड़ा मम्मी के लिए चावल दाल का थोड़ा सा भात बना दे रही हूँ। मम्मी इसको खा लेगी, क्योंकि मम्मी चाउमीन नहीं खाती है। तो देखिए, मेरा ये भूजना हो गया है। अब मैं देखिए मैं चाउमीन दे रही हूँ, जो पहले से बहुत पहले मैं इसको बॉईल करके रखी थी। तो बॉईल करने के बाद देखिए, इसमें एकदम थोड़ा सा भी पानी नहीं है, एकदम खिला खिला चाउमीन है। तो मैं चाउमीन देने के बाद मैं यहाँ स्वाद अनुसार नमक और सोया सॉस दे दूँगी। मैं थोड़ा ज़्यादा सोया सॉस खाती हूँ, तो मैं थोड़ा ज़्यादा काला कर दी हूँ इसको। इसके बाद उसको चम्मच से, काटा चम्मच से उसको हिलाइएगा, चलाइएगा, और छलनी से नहीं चलाइएगा, क्योंकि छलनी से चलाने से वो पूरा चाउमीन कट जाता है। देखिए मैं कैसे इसको चलाऊँगी दो काटा चम्मच से, तो देखते रहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कैसे काटा चम्मच से चला रही हूँ। इसको चलाने से क्या होता है कि पूरा चाउमीन तुमको पूरा लंबा लंबा ही रहता है, एक भी नहीं कटता है, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। और बस हो गया इसका पूरा, अगर मिला दिया इसके बाद हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर हम सॉस वॉस कुछ नहीं दिए, क्योंकि ये खाने के टाइम मैं दे परोस दूँगी। और हाँ, यहाँ पर मैं लास्ट में थोड़ा सा ब्लैक पेपर दे दूँगी। यहाँ देखिए, मैं पूरा चला ली हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है मेरा चाउमीन। और ये लास्ट में आपको मैं तो बताई थी कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक पेपर दे दूँगी। तो देखिए, मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर दे दी हूँ। बस ब्लैक लेयर पेपर देने के बाद मैं फिर थोड़ा सा चला दूँगी। ये देखिए, और मेरा चाउमीन तैयार। आप लोग को मैं और अच्छा से प्लेट में ला के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा चाउमीन कितना अच्छा लग रहा है, कितना खिला खिला। मैं यहाँ पर देखिए तो बहुत अच्छा, पूरा कैप्सिकम भी बहुत अच्छा से दिख रहा है, हो गया है। तो मेरा चाउमीन तैयार। तो चलिए, मैं अब खा लेती हूँ ये चाउमीन। चलिए देखिए, फिर समय मैं यहाँ पर लाइट में दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पर सॉस ले ली हूँ, चिली सॉस और टोमेटो सॉस, वहाँ पर तब नहीं दी थी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरा। तो मैं जो चाउमीन अभी बनाई इसको खा लेती हूँ। तो चलिए,